क्या दोस्तों मेरे चैनल मोदी डिस में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात है कैसे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने फाइव ट्रिलियन का मार्क रीच कर लिया है और ये करीब दो पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे अब भारत बिलियंस में बातचीत ही नहीं करता और अब भारत ट्रिलियंस में बातचीत करता है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान मिलियंस में आगे है दुनिया से भीग मांगने के लिए कि 10-20 मिलियन डॉलर के लिए वो दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कैसे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज कैश कर रहा है जबकि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने जो फाइव ट्रिलियन डॉलर रीच किया है उसके बारे में बातचीत कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना वो पहुंच चुकी है 5 लेकिन पहले हम हैरान रह जाते थे आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं वो उनका जो उनकी स्वीट ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है ये देख लें आप तो वो देख लें आप कहीं ट्रेड की बात हो स्टॉक मार्केट की बात हो कुछ भी हो तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं बिलियंस डॉलर्स में बात तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए आईएमएफ के सामने खड़े होते हैं आप जानते हैं तो ये हालात तो वाकई है इसीलिए मैंने कहा कि कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है हम खबर देंगे आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार है जिस तरह अभी मैंने बात की अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर है मैं स्टेट बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ मैंने कभी जिंदगी में एक शेयर नहीं खरीदा जिंदगी में कभी शेयर नहीं खरीदा आज तक कभी शेयर नहीं खरीदा मेरे पास कभी एक पैसे का शेयर नहीं है मेरे पास मैंने मैं स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग एक शेयर का कॉन्सेप्ट को खरीदता ही नहीं मैंने कभी जिंदगी में शेयर खरीदा ही नहीं मैं बिलीव ही नहीं करता यो, क्या ये फलाना स्टॉक इतना फलाना स्टॉक उतना तो आप हमें बताएं वो बड़ी ना अपनी वो टेक्निकल आ, ये वो लोग होते हैं जिनको टेक्निकल वोकेबलरी सीख ली होती है लेकिन वो पता नहीं होता इसका मतलब क्या है स्पीक लाइक दैट इस किस्म के कैरेक्टर्स को कैरिकेचर बहुत किया हुआ hmm. कि बोल लेते हैं उस तरह से लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस चीज़ का मतलब क्या hmm. ये है ये भरा हुआ है पाकिस्तान इस किस्म के लोग एंड द स्टॉक मार्केट क्रैश सडनली मार्च है

इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो पांच ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं जिस तरीके से जो मैं बिलखसूस खास कर बात करता हूं मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं फिर गलतियां भी करते हैं फिर बदले भी लेते हैं बदले की सियासत भी करते हैं फिर चांसेस लेते हैं टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं करप्शन में बात मोदी साहब अपने इलेक्शन कंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते अब ये देखें अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए इस रिसेंट इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है फिर चंद्रयान की बातें फिर होती हैं फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो वो जो चीज है फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं देखें उन्होंने सात अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडम किया फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपनी अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले इलेक्शन के दौरान दो, दो चार स्टेप लिए गए हैं मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक हाँ में जा रहे हैं इसी इलेक्शन से फॉर्म पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में जयशंकर साहब फॉरन रशिया पहुंच गए तो ये ये देखें ये चीजें इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं मैंने कल मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि डॉक्टर तरन संधू एक्स एंबेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं मोटरसाइकिल तो ये सोच इज अ माइंडसेट इस अ माइंडसेट भाई इस वक्त आपको इनिशिएटिव्स की जरूरत है आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है एक एरिया जो कि बिल्कुल वर्जिन पड़ा हुआ है लाख मेरे इलाके के अंदर चौंसठ लाख एकड़ ज़मीन जो है वो अनकल्टिवेटेड बनी हुई है और इंडिया से पाकिस्तान के डिवीजन से पहले वहाँ नहरें बनी हुई थी अभी वहाँ रेत है और उसका पानी जो है वो हम समंदर में फेंक रहे हैं लेकिन हम अपनी ज़मीन पर नहीं लगा रहे नहीं। तो इस लिहाज से एग्रीकल्चर से रिलेटेड और दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आप पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन

छः या सेवन ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा तो, तो ये नॉर्मल है कि जब आपकी जीडीपी ग्रो करती है तब आपका स्टॉक मार्केट का जो कैपिटल है वो भी ग्रो करता है और जहाँ तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का मामला है तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एक पौजी स्कीम की तरह चलता है क्योंकि वहाँ पे प्लस बहुत ही ज़्यादा कम है और एफ या भारत से पैसा आता ही नहीं तो कुछ लोग मिल स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में ये चला था कि व्हाट्सएप पे स्टॉक मार्केट जो पाकिस्तान की हो वो मैनुपुलेट होती है तो इसलिए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान पैसा नहीं लगाते इसलिए वो कभी ऊपर जाती है और धड़ाम से नीचे गिरती है और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट को पाकिस्तान में मैनुपलेट करते हैं उनके मीडिया चैनल भी है तो वो उसे पम्प भी करते तो मीडिया पर भी स्टॉक मार्केट के मामले पर किसी को भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान में तो इसीलिए पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट का को कोई मुकाबला नहीं है तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत किया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच